हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज ऑफिशियल आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि 2022 में दिवाली कब है, जी हाँ दीपावली कब है, और शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी, पूजा विधि भी बताऊंगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस बार दीपावली की। दिवाली 2022 में कब है? जी हाँ, दिवाली 2022 में 24 अक्टूबर दिन सोमवार को है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त न्यू दिल्ली इंडिया के लिए। लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:54:52 से शाम 8:16:07 तक, अवधि 1:21, प्रदोष काल शाम 5:43:11 से शाम 8:16:07 तक, वृषभ काल शाम 6:54:52 से शाम 8:50:43 तक, महानिशीथ काल मुहूर्त लक्ष्मी पूजा मुहूर्त 11:40:02 से 12:31 तक, अवधि 0:50, महानिशीथ काल 11:40:02 से 12:31 तक, सिंह काल 25:26:25 से 27:44:05 तक। दिवाली शुभ चौघड़िया मुहूर्त सायकाल मुहूर्त अमृत चल शाम 5:29:35 से शाम 7:18:46 तक, रात्रि मुहूर्त लाभ 10:29:56 तक, 12:05:31 तक। रात्रि शुभ मुहूर्त शुभ अमृत चल 25:41:06 से 30:27:51 तक। तो आप लोग इस मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं, दिवाली की पूजा आप लोग कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि 2022 में दिवाली कब है व दिवाली 2022 की तारीख व मुहूर्त। दिवाली या दीपावली हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। हिंदू धर्म में दिवाली का विशेष महत्व है। धनतेरस से भाई दूज तक करीब 5 दिनों तक चलने वाला दिवाली का त्यौहार भारत और नेपाल समेत दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। दिवाली को दीप उत्सव भी कहा जाता है क्योंकि दीपावली का मतलब होता है दीपों की अविलय यानी कि पंक्ति। दिवाली का त्यौहार अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध जैन और सिख धर्म के अनुयायी भी दिवाली मनाते हैं। जैन धर्म में दिवाली को भगवान महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में माना जाता है। वहीं सिख समुदाय में इसे बंदी छोड़ दिवस के तौर पर मनाते हैं। दिवाली कब मनाई जाती है? कार्तिक मास में अमावस्या के दिन प्रदोष काल होने पर दिवाली मनाने का विधान है। यदि 2 दिन तक अमावस्या तिथि प्रदोष काल का स्पर्श न करे तो दूसरे दिन दिवाली मनाने का विधान है। ये मत सबसे ज़्यादा प्रचलित और मान्य है। वहीं एक अन्य मत के अनुसार अगर 2 दिन तक अमावस्या तिथि प्रदोष काल में नहीं आती है तो ऐसे स्थिति में पहले दिन दिवाली मनाई जानी चाहिए। इसके अलावा यदि अमावस्या तिथि का विलोपन हो जाए, यानी कि अगर अमावस्या तिथि ही न पड़े और चतुर्दशी के बाद सीधे प्रतिपदा आरंभ हो जाए, तो ऐसे में पहले दिन चतुर्दशी तिथि को ही दिवाली मनाने का विधान है। दिवाली पर कब करें लक्ष्मी पूजा? मुहूर्त का नाम, समय, विशेषता, महत्व। प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त। लक्ष्मी पूजा का समय सबसे उत्तम समय
स्थिर लगन होने से पूजा का विशेष महत्व। महानिशित काल, मध्य रात्रि के समय आने वाला मुहूर्त, माता काली के पूजा का विधान, तांत्रिक पूजा के लिए शुभ मुहूर्त। पहला, देवी लक्ष्मी का पूजा प्रदोष काल सूर्य अस्त के बाद के 3 मुहूर्त में किया जाना चाहिए। प्रदोष काल के दौरान स्थिर लगन में पूजन करना सर्वोत्तम माना गया है। इस दौरान जब वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि लग्न में उदित हो तब माता लक्ष्मी का पूजन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये चारों राशि स्थिर स्वभाव की होती है। मान्यता है कि अगर स्थिर लग्न के समय पूजा की जाए तो माता लक्ष्मी अंश रूप में घर में ठहर जाती है। दूसरा, महानिशित काल के दौरान भी पूजा का महत्व है, लेकिन ये समय तांत्रिक पंडित और साधकों के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। इस काल में माँ काली की पूजा का विधान है। इसके अलावा वे लोग भी इस समय पूजा कर सकते हैं जो महानिशित काल के बारे में समझ रखते हो। आइए अब जानते हैं दिवाली पूजा का विधि। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा की विधि। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का विशेष विधान है। इस दिन संध्या और रात्रि के समय शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी, विघ्नहर्ता भगवान गणेश और माता सरस्वती की पूजा और आराधना की जाती है। पुराणों के अनुसार कार्तिक अमावस्या की अंधेरी रात में गणेश और माता सरस्वती की पूजा और आराधना की जाती है। पुराणों के अनुसार कार्तिक मास की अंधेरी रात में महालक्ष्मी स्वयं भूलोक पर आती हैं और हर घर में विचरण करती हैं। इस दौरान जो घर हर प्रकार से स्वच्छ और प्रकाशवान हो वहां वे अंश रूप में ठहर जाती हैं। इसीलिए दिवाली पर साफ सफाई करके विधि विधान से पूजन करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। लक्ष्मी पूजा के साथ साथ कुबेर पूजा भी की जाती है। पूजन के दौरान इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। पहला, दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन से पहले घर की साफ सफाई करें और पूरे घर में वातावरण की शुद्धि और पवित्रता के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। साथ ही घर के द्वार पर रंगोली और दियों की एक श्रृंखला बनाएं। दूसरा, पूजा स्थल पर एक चौकी रखें और लाल कपड़ा बिछा कर उस पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति रखें या दीवार पर लक्ष्मी जी का चित्र लगाएं। चौकी के पास जल से भरा एक कलश रखें। तीसरा, माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति पर तिलक लगाएं और दीपक जलाकर जल, मौली, चावल, फल, गुड़, हल्दी, अबीर, गुलाल आदि अर्पित करें और माता महालक्ष्मी की स्तुति करें। चौथा, इसके साथ देवी सरस्वती, माँ काली, भगवान विष्णु और कुबेर देव की भी विधि विधान से पूजा करें। पांचवा, महालक्ष्मी पूजन पूरे परिवार को एकत्रित होकर करना चाहिए। छठा, महालक्ष्मी पूजा के बाद तिजोरी, बही खाते और व्यापारिक उपकरण की पूजा करें। सातवा, पूजन के बाद श्रद्धा अनुसार जरूरतमंद लोगों को मिठाई और दक्षिणा दें। दिवाली पर क्या करें? पहला, कार्तिक अमावस्या यानी दिवाली के दिन प्रातः काल शरीर पर तेल की मालिश के बाद स्नान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की हानि नहीं होती है। दूसरा, दिवाली के दिन वृद्ध जन और बच्चों को छोड़कर अन्य व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को लक्ष्मी पूजन के बाद ही भोजन ग्रहण करें। तीसरा, दिवाली पर पूर्वजों का पूजन करें और धूप व भोग अर्पित करें। प्रदोष काल के समय हाथ में उल्का धारण कर पितरों को मार्ग दिखाएं। यहां उल्का से तात्पर्य है कि दीपक जलाकर या अन्य माध्यम से अग्नि की रोशनी में पितरों को मार्ग दिखाएं। ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चौथा, दिवाली से पहले मध्य रात्रि को स्त्री पुरुष को गीत, भजन
और घर में उत्सव मनाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में व्याप्त दरिद्रता दूर हो जाती है। दिवाली की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में हर त्यौहार से कई धार्मिक मान्यता और कहानियां जुड़ी हुई हैं। दिवाली को लेकर भी दो अहम पौराणिक कथा प्रचलित है। पहला, कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर और लंकापति रावण का नाश करके अयोध्या लौटे थे। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या आगमन की खुशी पर लोगों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था, तभी से दिवाली की शुरुआत हुई। दूसरा, एक अन्य कथा के अनुसार नारकासुर नामक राक्षस ने अपनी असुर शक्ति से देवताओं और साधु संतों को परेशान कर दिया था। इस राक्षस ने साधु संतों की 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। नारकासुर के बढ़ते अत्याचारों से परेशान देवता और साधु संतों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नारकासुर का वध किया। वध कर देवता व संतों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई, साथ ही 16,000 स्त्रियों को कैद से मुक्त कराया। इसी खुशी में दूसरे दिन यानी कि कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए। तभी से नरक चतुर्दशी और दिवाली का त्यौहार मनाया जाने लगा। इसके अलावा दिवाली को लेकर और भी पौराणिक कथाएं सुनने को मिलती हैं। पहला धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र से स्वर्ग को सुरक्षित पाकर खुशी से दिवाली मनाई थी। दूसरा, इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थीं और उन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में स्वीकार किया था। 2022 में दिवाली पूजन कब है? वर्ष 2022 में दिवाली पूजन 24 अक्टूबर के दिन किया जाएगा, दिन सोमवार है। कैसा लगा आप सभी को हमारा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आपके एक लाइक एक शेयर और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। हमारे वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।